भी अपना सामान वामान पैक हो चुका है एंड द टाइम इज 4:30। यहाँ से निकल रहे हैं, बाहर थोड़ा सा बारिश हो रही है, अभी यहाँ से चलते हैं। चलो भाई, तो कल मैंने स्टिकरिंग कराया, आई शो यू दैट। यहाँ पे देखो ले फैल्कन लिखा हुआ है, एक इस साइड में लिखा हुआ है ले फैल्कन और राइट साइड के पैनल में सेम चीज़ लिखी हुई है। मस्त लग रहा है। सामान वामान अभी अपना पैक हो चुका है, बैग बंद गया है सही से। क्या बात है जी, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। आज लेह लद्दाख वाला राइड शुरू हो रहा है, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दिस इज विकेट राइडर, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। तो आज जो डेट है वो है 27th एंड हम लोगों का जो राइड है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम बैंगलोर टू लद्दाख, और अभी यहाँ से सीधा मीटअप पॉइंट पे जा रहे हैं। तो मीटअप पॉइंट हम लोगों का है एसटी मॉल। पेट्रोल का टैंक मैंने ऑलरेडी फुल करा लिए थे, पीयूसी जो था पोल्यूशन चेक, क्योंकि गाड़ी को एक साल से ऊपर हो चुका है तो मैंने पीयूसी बनवा लिया 6 मंथ्स का, और उसके साथ में सारा जो परमिट्स वर्मिट्स अपना रहता है लद्दाख का वो ऑलरेडी मतलब हम लोगों ने ले लिया था ऑनलाइन, तो उसका प्रिंट आउट्स ले लिया। यहाँ से सीधे चलते हैं मीटअप पॉइंट पे एंड मीटअप पॉइंट पे जब बाकी सारे अपने भाई बंधु आ जाएंगे देन उसके बाद में हम लोग निकलेंगे। और बताओ भाई, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, कितने बजे निकले थे? 4:15। सो गाइस ये एसटी मॉल जहाँ पे हम लोगों का मीटअप पॉइंट था, अभी यहाँ से टुवर्ड्स हम लोग एयरपोर्ट रोड ही निकलेंगे क्योंकि हम लोग ने हैदराबाद वाली साइड में जाना है, वी आर गोइंग टू आदिलाबाद टुडे। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और सारे आ चुके हैं अभी। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से 5:38 निकल चुके हैं और हम लोगों का लेह लद्दाख राइड ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टुडे। और अगर आप लोगों को सारे व्लॉग देखने हैं सीरीज में, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आगे चल रहे हैं राजेश भाई, राजेश भाई का भी यूट्यूब चैनल है आरकेडी व्लॉग्स, और उन्हें भी सब्सक्राइब कर दो। और अभी यहाँ से हम लोग फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे वी आर गोइंग टूवर्ड्स आदिलाबाद वाया हैदराबाद, तो जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा हम लोग कवर कर रहे हैं क्योंकि द मेन एम इज़ टू रीच मनाली एज सून एज पॉसिबल, ताकि उसके बाद में हम लोग जो भी हैं जो एक्चुअल वाला जो व्यू है वो इंजॉय कर सके। अभी हम लोग यहाँ से नंदी हिल्स वाला टर्न क्रॉस कर रहे हैं एंड इसके बाद में हम लोग लंबा खींचने वाले हैं क्योंकि अभी जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है 826 आदिलाबाद, तो हम लोग ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है कवर करना। उसके बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे देन उसके बाद में फिर से स्ट्रेच करेंगे। बहुत ही बढ़िया वाले नज़ारे आ रहे हैं देख लो यहाँ पे लेफ्ट साइड में। अभी ऐसे ही रास्ता चलेगा पूरा जब तक हैदराबाद एंटर नहीं कर जाते हैं। सो दिस टोल इज़ बागेपल्ली टोल प्लाजा, इसके बाद में यहाँ से आंध्रा शुरू हो जाता है पूरा। और यहाँ से जो किया का प्लांट है दैट इज़ जस्ट 50 किलोमीटर्स, वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो आपको दिखाऊंगा राइट साइड में किया का प्लांट पड़ता है, बहुत बड़ा प्लांट बना हुआ है। सो ये जो लेफ्ट में आप लोगों को गेट दिख रहा है ये जाता है लेपाक्षी टेम्पल, काफ़ी फेमस है, अच्छा दिख रहा है। यहाँ से स्ट्रेट निकल जाते हैं। अभी अपने राइट साइड में चल रहा है किया का प्लांट और ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किया, तो ये पूरा रात हो जाता है तो रेड कलर में किया पूरा लाइट जलता है यहाँ पे। सो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8 o'clock एंड हम लोगों को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने का प्लान था, तो ब्रेकफास्ट अभी यहाँ पे करेंगे, कौन सा जगह, उपहार फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का, देन उसके बाद में निकलेंगे सीधा हैदराबाद और हैदराबाद में प्लान्ड है लंच, तो ऐसा कुछ प्लान है। अभी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं जल्दी से। सो गाइस अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड अभी हम लोग निकल चुके हैं हैदराबाद की तरफ, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज़ समवेयर अराउंड 400 किलोमीटर्स। सो दिस इज़ अनंतपुर, अभी यहाँ से हम लोग अनंतपुर क्रॉस कर रहे हैं। हाय साहब, क्या मस्त लग रहा है ये वाला व्यू, मतलब अलग लेवल वाला फील आ रहा है, बहुत सही। एक एक्चुअली पीछे थोड़ा सा एरिया ऐसा पड़ा था जैसे कि मतलब इस साइड में पहाड़ था, इस साइड में पहाड़ था, बीच में से रोड निकली थी और जैसे ही रोड निकली एंड उसके बाद भी देखा तो ये वाला व्यू मिला, बहुत अच्छा लग रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग रुके थे tea.com पे थोड़ा सा चाय ब्रेक के लिए, एंड चाय ब्रेक नहीं एक्चुअली मैंने ओरियो शेक पिया, माय फेवरेट वन। यो तो यहाँ से हैदराबाद कुछ 230-240 किलोमीटर्स कुछ रह गया है, और आदिलाबाद वहाँ से 250 किलोमीटर्स और है। ओ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी, 11:41 तो ऑलमोस्ट 12 बजे का टाइम होने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ से तेलंगाना एंटर कर रहे हैं, ये वाला फर्स्ट टोल है तेलंगाना का। पीछे एक रिवर पड़ा था, आई डोंट नो कौन सा था, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, और टाइम हो चुका है 12:00। आई थिंक 2-3 आवर्स अभी लग जाएगा यहाँ से और हैदराबाद पहुँचने में। तो गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि एग्जैक्ट 12 बज चुका है। तो अभी हम लोगों ने पेट्रोल टैंक फुल करा लिया है, अभी रेंज दिखा रहा है 277, कल मैंने पढ़वाया था अराउंड 935 का, उसके बाद में आज का मॉर्निंग का थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद में मैंने पढ़ाया 900 का, और अभी पढ़वाया है मैंने 942 का। तो जो भी है मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा, जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है, तो कितने जो ओवरऑल लद्दाख राइड कितने की पड़ेगी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा उससे। जो बाइक रेंज देती है दैट इज़ 30 किलोमीटर्स पर लीटर। अभी हम लोग यहाँ हैदराबाद से जस्ट 50 किलोमीटर्स दूर हैं। जो ये वाला रूट है ये हुसैन सागर से हम लोगों को लेके जाएगा एंड क्रॉस करा देगा उस साइड में, जहाँ से हम लोगों को आदिलाबाद का हाईवे मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़े बहुत फ्रेंड्स आ रखे हैं जो फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब चैनल को, तो उनसे भी मिलने जाना है। अच्छा लगता है मेरे को भी मिलना, कि जो भी आता है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। आई थिंक मैंने एस्टिमेटेड टाइम दिया था मैं पहुँचूँगा 2 बजे, बट अभी 2:38 हो चुका है, तो काफ़ी टाइम से आई थिंक सो वेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों से रहीम भाई और अदनान भाई मिलने आए थे, तो अभी थैंक यू फॉर कमिंग, चलो सी यू। सो हम लोग यहाँ पे हुसैन सागर वाली रोड पे आए हुए थे, एंड अच्छा है बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अपने भाई लोग कुछ सब्सक्राइबर्स थे, चलो ओके चलो भाई, हाँ बाय। तो अभी जो हम लोगों का टोटल डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज़ 610 किलोमीटर्स। थोड़ा सा मैंने बैंगलोर के बिल्कुल बाहर जाके स्टार्ट किया था, तो आई थिंक इट विल बी अराउंड 630 किलोमीटर्स। तो यहाँ से अभी टाइम हो चुका है 5:12 PM, आफ्टर कवरिंग 639 किलोमीटर्स हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय ब्रेक ले लेते हैं। सो गाइज वी केम टू श्री आद्या ग्रैंड, और यहाँ पे हम लोगों ने कर्ड राइस खाया, और कुछ ऑप्शन मिला नहीं यहाँ पे ज़्यादा, बट आई थिंक न्यू खुला हुआ है। तो अभी हम लोग आदिलाबाद के लिए निकल रहे हैं, द टाइम इज़ 7:13। तो हम लोग जो हैं एक्चुअल जो गोल है उससे 3 आवर्स लेट चल रहे हैं। तो अभी अपना जो यहाँ पे बारिश वारिश शुरू हो गया है, तो आई जस्ट कीप एवरीथिंग इनसाइड, क्योंकि बारिश में कुछ ना कुछ ख़राब होने का चांसेस रहता है। चलो ऑल सेट निकलते हैं अभी। ऑल राइट गाइस, सो द टाइम इज़ 11:43 एंड वी कवर्ड समवेयर अराउंड 25 किलोमीटर्स, और 25 किलोमीटर्स के बाद में 847 किलोमीटर्स अभी हम लोग चला चुके हैं। यहाँ पे छोटा सा ढाबा था, हम लोग यहाँ पे रुके थोड़ा खाने के लिए, क्योंकि हम लोग लंच जो था वो स्किप कर दिया। जो कल का राइड है दैट इज़ फ्रॉम आदिलाबाद टू ग्वालियर, और डिस्टेंस रहेगा अराउंड 900 किलोमीटर्स। आज का जो डिस्टेंस था दैट वाज 870 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। तो हम लोग जब क्या बात है बैंगलोर से हम लोग ने स्टार्ट किया था 5:30, और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं 11:44। आज थोड़ा सा पहला दिन था, तो थोड़ा सा प्लानिंग उतना काम नहीं करता है। अभी हम लोग यहाँ से होटल चेक इन करने जा रहे हैं। होटल जो है वो यहाँ से कुछ कितना किलोमीटर है, 4.6। ओके सो हाईवे से 4.6 है,
ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, ठीक ठाक है। आज का जो ओवरऑल राइड था वो ओवरऑल हम लोगों ने जो डिस्टेंस कवर किया 870 किलोमीटर्स, थोड़ा सा बस आज के राइड में गैप ज़्यादा हो गया क्योंकि ब्रेक्स हम लोगों ने थोड़े बहुत ज़्यादा ले लिए। कल ट्राई करेंगे उसी चीज़ को दोबारा ना दोहराने की, जिससे कि हम लोगों को नाइट राइड ना करना पड़ जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस है, हम लोगों को भी पता लग रहा है राइड में जाते टाइम में आप लोगों को ये चीज़ें फेस ना हो, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और जो बाकी जितने भी आगे आने वाले ब्लॉग्स रहेंगे उससे आप लोगों को आइडिया लगता रहेगा कैसे आप लोगों को लेह लद्दाख राइड प्लान करनी है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। दिस इज विकेट राइडर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।